तो फिर गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हुई। तो फिर आज की हम इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे कि जो RTX 3050 Ti वाले वेरिएंट लैपटॉप्स के लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में, जो कि फर्स्ट है अपना ROG Strix G15 एंड सेकंड है TUF F15। इनके बारे में बात की जाएगी अपने चैनल के ऊपर, एंड जो कि 3050 Ti एंड 3050 है उसके TGP एंड ऑल दैट के बारे में बात की जाएगी कि लेना चाहिए या नहीं। तो फिर गाइस अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ऑल के ऊपर कर देना कि जो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन है हर वीडियो की मिलती है। एंड डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ आपके क्वेरीज एंड क्वेश्चंस के लिए, कि आप कभी भी पूछ सकते हो मुझे। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर लेना, कि वहाँ पर भी मुझे मैसेज करके एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, जो कि अपनी अमेजोन डिस्प्ले कि जहाँ के ऊपर आप देख ही पा रहे हो, जो कि मैंने एसुस टफ F15 डैश खोल रखा है, जो कि 2021 वाला वेरियंट है, जो कि इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है वो i5 11th जनरेशन का है, जो कि 1100 300H जो कि है 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स के साथ, जिसके साथ इन्होंने पेयर किया 3050 Ti 4GB वाला वेरिएंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हो, जो कि 3050 है Ti है, उसका जो TGP है वो 60W का है, साथ में 15W का अपने को डायनेमिक बूस्ट भी देखने को मिल जाता है। जो इसमें स्टोरेज ऑप्शंस हैं वो 8GB एंड 16GB मिल जाते, वो 512GB एंड 1TB मिल जाती है, सॉरी मैंने गलत बोला वहाँ पे, जो कि रैम है अपने को 8GB एंड 16GB मिल जाते हैं, एंड सभी कुछ इसमें सेम है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो जो TGP है सभी की प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड की वो भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि भी आपने देखा मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरियंट की और, जिसके अंदर है कि i7 प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अलावा और सभी कुछ सेम है पीछे वाले की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया 3050 Ti का जो TGP है वो 60+15W का ही है सेम, एंड जो इसमें रैम लगी हुई है वो 16GB एंड 1TB की SSD लगी हुई है जो कि NVMe है, एंड जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 144Hz है, 3200MHz की रैम है, तो वो सारा कुछ सेम है। अभी इनका जो रेट है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मतलब दिखाया नहीं इन्होंने रेट कितना है। एंड ये वाले F15 सीरीज में जो कि वेबकैम है अपने को वो देखने को नहीं मिलता, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया फास्ट फर्स्ट, तो जो कि इसमें रैम है वो डुअल चैनल लगी हुई है, 8 की ऑनबोर्ड है जिसको हम हटा नहीं सकते, मतलब निकाल नहीं सकते, एंड 8GB की एडिशनल लगी हुई है, एंड जो इसका प्रोसेसर है वो भी 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि i7 की जो 11th जनरेशन आई थी उसके अंदर 4 कोर ही थे। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, जो कि ROG Strix G15, जैसे कि आप देख पा रहे डिस्प्ले के ऊपर, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, एंड ये कल ही ऑर्डर इनलिस्ट हुए थे, तो फिर मैं आज वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ 5600H AMD का, एंड 16GB की रैम है इसमें, 512GB की SSD लगी हुई है, 4GB का अपने को RTX 3050 Ti देखने को मिलता है, जो कि इसका रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का वो 144Hz है, एंड जो इसका रेट अभी डिस्क्लोज हुआ है वो है 93,000 रुपीज़, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 93,000 है, क्योंकि 9,290 रुपीज़ है, तो वो 93,000 ही बन जाते हैं अगर देखा जाए। एंड इसकी डिस्प्ले है वो 62.5 sRGB है एंड लेवल लैपटॉप काफ़ी अच्छा होने वाला है, बट जो इसका रेट है अभी वो काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए, तो जो इसके अंदर रैम है वो 3200MHz की लगी हुई है, एंड ऑल दैट वो सारा कुछ अच्छा ही है इस लैपटॉप में, एंड जो कि इसकी TGP होगी प्लस ग्राफिक्स कार्ड की, जैसे कि अपने पहले वाले सारे ROG सीरीज के, मतलब ROG Strix सीरीज के जो भी अपने लैपटॉप्स थे उनके अंदर जो TGP है वो अपने को मैक्स ही देखने को मिलती है, तो इसमें भी अपने को मैक्स लगता है मुझे कि 80W ही देखने को मिलेगा अराउंड। तो फिर कैसे चलते हैं अपने बेंचमार्क्स की ओर, जो कि 3050 Ti के हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फोटो, ये नोटबुक चेक वेबसाइट से आई है फोटो मेरे पास, एंड जो कि इसका अगर हम 3050 देखें उसकी जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क है ये 3DMark टाइम्स पाई ग्राफिक्स के टेस्ट किया हुआ है, जो कि 3050 की परफॉर्मेंस है वो 1650 Ti से काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड जो 1660 Ti मैक्स के वेरिएंट होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, बट जो 3050 Ti है उसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 1660 Ti मैक्स क्यू से, एंड जो 2060 मैक्स क्यू है उससे कम है वो। अगर हम देखें इसमें जो अपने को बेनिफिशियल चीज़ मिलेगी 3050 Ti एंड 3050 में, वो बस रे ट्रेसिंग का सपोर्ट होगा अगर देखा जाए, अगर जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब 1660 Ti से तो काफ़ी ज़्यादा कम है इसकी परफॉर्मेंस। अगर हम गेमिंग बेंचमार्क देखें इस ग्राफिक्स कार्ड के, तो आप देख ही पा रहे हो डिस्प्ले के ऊपर जो गेम टेस्ट किया है वो शेडो ऑफ द टोम रेडर है, एंड जो कि इसके 3050 Ti के अपने को FPS मिले हैं वो 69 FPS है अल्ट्रा के ऊपर, जो कि सेम है बिल्कुल 1660 Ti के जैसे। जो कि मीडियम सेटिंग्स के ऊपर है वो 106 FPS मिले हैं अपने को 3050 Ti में,
जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है अगर सभी में से देखें हम, जो कि 3050 है उसके अपने को अल्ट्रा के ऊपर 60 FPS मिले हैं, एंड जो कि मीडियम के ऊपर देखें तो अपने को 75 FPS मिले हैं। गाइस तो फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि ये स्किनकर कंपनी है, XMG प्रोटोटाइप इनका एक लैपटॉप है। जो ये कंपनी है वो जर्मन की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है ये, ना ही कोई ये सप्लाई करता है इंडिया को प्रोडक्ट्स ये वाला कंपनी। एंड इसका जो एक ये लैपटॉप आया है XMG प्रोटोटाइप, जिसका कि डिस्प्ले 144Hz का है, जो प्रोसेसर लगा हुआ है AMD Ryzen 5 5600H एंड 3050 Ti ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है इसमें, एंड जो रैम है वो 16GB की एंड 3200 MHz क्लॉक स्पीड रैम की, एंड जो स्टोरेज है इसमें वो 1TB की SSD लगी हुई है, एंड जो विंडोज़ है वो 10 Pro थी डाली हुई। एंड ये आप फोटो देख सकते हो कि जो HW Info का एक स्क्रीनशॉट है, जो कि लेफ्ट साइड में अपने को प्रोसेसर के स्पेक्स देखने को मिलते हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो 5600H प्रोसेसर है उसके जो स्पेक्स है वो ऑलमोस्ट सभी को पता ही है। बट जो राइट साइड पे अगर आपने देखने है तो इसको आप पॉज करके देख सकते हो कि या किसी और वीडियो में या किसी कहीं पर भी। एंड ये 6 Core 12 Threads वाला प्रोसेसर है, मैं आपको ये बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। जो राइट साइड पे है वो अपने को GPU का सभी कुछ देखने को मिलता है, जो कि है GA107 इसका कोड नेम है 3050 Ti का, एंड जो कि इसकी VRAM है वो 4GB की लगी हुई है, GDDR6 वाला ये है वेरियंट। एंड जो इस प्रोसेसर जो इस लैपटॉप में अपने को रैम मिलती है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि 16GB की है एंड ऑल दैट। मैं फिर आपको ये फोटो देख लो आप, इसमें आपको आई थिंक लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा कि ये लैंग्वेज है वो जर्मनी की लैंग्वेज है, एंड सिस्टम में इंफॉर्मेशन ये खोल रखी है, जो कि इसके अंदर TGP है प्रोसेस ग्राफिक्स कार्ड की वो है 75W, एंड जो कि इसमें डायनेमिक बूस्ट मिलता है वो है 2.0 का, येस लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब यहाँ पे इनेबल्ड है डायनेमिक बूस्ट गाइस, जो कि फिर इसका जो फुल TGP होगा मतलब अपने को लैपटॉप में मिलेगा ये वाले में, तो वो 80W का होगा, क्योंकि 75W इन्होंने दिया हुआ है मतलब TGP, एंड जो 2.0 डायनेमिक बूस्ट है वो 5W का होगा, क्योंकि टोटल फिर 80 हो जाएगा। एंड इस ग्राफिक्स कार्ड का जो मैक्स TGP है वो हैवी 80W का ही अगर देखा जाए। एंड तो फिर गाइस अगर इन कंक्लूजन की बात करें, जो कि ये वाले सारे लैपटॉप्स हैं अगर आप अभी आप बाई करना चाहते हो तो अभी थोड़ा टाइम वेट कर सकते हो, क्योंकि जो इनके प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है ये लैपटॉप, जैसे कि G15 हो गया, एंड जो F15 है उनका तो अभी प्राइस रिवील ही नहीं हुआ, चलो उनकी तो बात छोड़ो ही। आप अगर आप इनके बारे में देखना चाहते हो उनको अमेजोन के ऊपर या कहीं पर भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इनको। एंड जो ये वाला लैपटॉप है आपको XMG प्रो प्रोटोटाइप ये वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंडियन लैपटॉप नहीं है एंड ये जर्मनी का लैपटॉप है, एंड आपको इसको बाय भी नहीं कर सकते ना इम्पोर्ट कर सकते कहीं से। तो फिर गाइस बस ये थी आज की वीडियो, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मत भूलना।